चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन आक्रमण करता है तो अमेरिकी सेना ताइवान के बचाव में उतरेगी। ताइवान के मुद्दे पर यह अमेरिका का अब तक का सबसे स्पष्ट बयान माना जा रहा है। ऐसे में बाइडेन के इस बयान से चीन का नाराज होना तय है। चीन शुरू से ही कहता आया है कि एक चीन नीति उसके विदेश नीति का स्पष्ट आधार है। एक महीने पहले ही बाइडेन के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर युद्ध की चेतावनी दी थी। CBS को दिए गए एक इंटरव्यू में जब जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना चीन के दावे वाले ताइवान की रक्षा करेगी, इसके जवाब में बाइडेन ने कहा हाँ, अगर वास्तव में हमला हुआ तो हम रक्षा करेंगे। बाइडेन से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या उनका मतलब है कि यूक्रेन के विपरीत अमेरिकी सेना चीन के हमले पर ताइवान की रक्षा करेगी। इस पर जो बाइडेन ने हाँ में जवाब दिया। इस इंटरव्यू के जरिए जो बाइडेन ने ताइवान पर लंबे समय से चली आ रही अमेरिका की नीति से परे जाते हुए दिखाई दिए। अमेरिका लंबे समय से ताइवान को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता से जूझ रहा था। वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि ताइवान पर हमले का सैन्य जवाब देना है या नहीं। हालांकि बाइडेन का यह बयान अमेरिका की उस रणनीति को स्पष्ट करता है कि अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति नहीं बदली है। प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन पहले भी ये बातें कह चुके हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।